वेलकम बैक टू महेंद्र ब्लॉग। तो हाय गाइज, कैसे आप लोग? वापस से एक नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। गाइज, मैं अभी बोटनिकल गार्डन आ गया हूँ जो कि हावड़ा में पड़ता है। तो गाइज, मैं आप लोगों को आज बोटनिकल गार्डन दिखाऊंगा, यहाँ पे क्या क्या है। गार्डन में ज़्यादातर पेड़ पौधा ही है और बगीचा है, ये सब मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। और ये हावड़ा में पड़ता है, अगर आप आना चाहते हैं तो हावड़ा स्टेशन से बस आप लोगों को मिल जाएगा। बी गार्डन भी बोला जाता है। बी गार्डन बोलने से आपको ठीक गेट के सामने उतारेगा और वहीं से आप 10 रुपये एंट्री फीस है गार्डन का, आप 10 रुपये टिकट लेकर के अंदर में घूम सकते हैं। काफ़ी अच्छा गार्डन है, चलिए हम लोग घूमते हैं। और आप ये सामने आप सामने देख सकते हैं, यहीं से एंट्री करना है। ये गेट है, वो मेन गेट है, आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्योग, ये गेट है। और ये बोटनिकल गार्डन बोला जाता है, जिसे बी गार्डन में बोला जाता है। तो चलिए, तो गाइस चलिए ब्लॉग को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा नया वीडियो आने पर आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए गाइस, ये वीडियो में पूरा बने रहिएगा तभी आप लोगों को मज़ा आएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा गाइस आप देख सकते हैं, अंदर आएंगे तो आप लोगों को ये चौड़ा रास्ता मिल जाएगा। ये देखिए चौड़ा चौड़ा रास्ता है ये इधर अंदर में घूमने के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा जंगल जैसा ये बागीचा है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। चारों तरफ आप लोगों को पेड़ पौधा ही मिलेगा और हरियाली है। ये रास्ता जिसे अंदर आप आएँगे, यहाँ पर आप ये फूल का कुछ बागीचा है, ये सामने से मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए ये गार्डन है आपका, फ्लावर गार्डन, यहाँ फ्लावर गार्डन है, ये देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत, हर तरह का इसमें फूल लगा हुआ है। ये और गाइज आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे फूल लगा हुआ है जिसको बांस में लगा करके इसको सीधा खड़ा किया गया है कि बड़ा जाएगा, ऊंचाई तक जाएगा, इसलिए देखिए पूरा बांस में इसको लगा करके बांधा गया है ताकि अच्छा खासा ये ऊंचा जाएगा। ये गार्डन के अंदर ही है। और गाइस ये आप देख सकते हैं, ये गार्डन के अंदर काफ़ी पुराना पुराना आप लोगों को पेड़ देखने को मिलेगा। ये आप देख सकते हैं, ये एक तरह का आप लोगों को अमेजोन का जंगल जैसा लगेगा, जो कि चारों तरफ ही पेड़ ही पेड़ दिखाई देगा और हर तरह का पेड़ आप लोगों को दिखाई देगा। ये आप देख सकते हैं कितना ऊंचाई तक है, काफ़ी ऊंचा ऊंचा पेड़ भी है, ये देख सकते हैं काफ़ी ऊंचाई है और बहुत तरह का पेड़ है इसमें, देख सकते हैं ये कैसे कैसा पेड़ है, लाइक अमेजोन जंगल जैसा लग रहा है। चारों तरफ ही जंगल जंगल है, काफ़ी अच्छा लग रहा है किंतु देखने में। और घूमने के लिए आप लोग देख सकते हैं ये फुटपाथ काफ़ी चौड़ा चौड़ा बना हुआ है, जो कि लोग फुटपाथ से चलते हैं और चारों तरफ से अपना देखते रहते हैं। और गाइस थोड़ा सा और आगे आप बढ़ेंगे तो आप लोगों को गार्डन के अंदर ही एक झील दिखाई देगा, जो कि मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं ये झील काफ़ी साफ झील है, कुछ गंदगी नहीं है। ये झील आप देख सकते हैं, ये चारों तरफ से पेड़ पौधा भी साइड साइड से लगा हुआ है, ये देखिए। और ये झील है, ये आप देख सकते हैं खूबसूरती, काफ़ी साफ सुथरा है झील। ये गाइस आप देख सकते हैं झील काफ़ी दूर तक उधर तक गया है, झील दोनों से वहाँ से दो भाग में बट गया है, एक उधर गया है राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में झील चला गया है। और ये आप देख सकते हैं जंगल का नज़ारा। गाइस ये जंगल इतना बड़ा है कि अगर रात के टाइम में आने पर डरावना जैसा भी लगेगा, क्योंकि कहीं भी आप लोगों को कुछ नहीं दिखाई देगा, जिधर नज़र आपका जाएगा देख सकते हैं सिर्फ जंगल ही जंगल है। ये देखिए चारों तरफ से मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, सिर्फ जंगल ही जंगल है। ये देखिए किस तरह का पुराना पुराना पेड़ भी है यहाँ पे, ये लगा हुआ है, एक पेड़ दूसरे पेड़ में कैसे मिला हुआ है। ये झील के जस्ट बगल में है और कुछ इस तरह का खूंखार जगह भी यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा, ये देखिए। चलिए आगे चलते हैं। और गाइस एक और झील आप लोगों को दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आगे आने पर, वो तो झील था देखा, और एक और आप लोगों को झील मिल जाएगा। ये आप देख सकते हैं ये दूसरा झील है, काफ़ी चौड़ा झील है, ये देखिए। ये आप झील को देख सकते हैं गाइस, ये देखिए
एक ये झील है, काफ़ी खूबसूरत है, गंदगी नहीं है झील में, ये अच्छा लग रहा है। ये आप देख सकते हैं चारों तरफ से बड़ा बड़ा पेड़ पौधा लगा हुआ है और ये झील है। और गाइस थोड़ा और आगे जाएंगे तो अंदर में आप लोगों को इस तरह का व्यू दिखाई देगा, जो कि रास्ता बना हुआ है, इस पर गाड़ियाँ नहीं चलती हैं, पैदल ही चलने के लिए रास्ता बना हुआ है, काफ़ी खूबसूरत। और ये देख सकते हैं इस साइड से झील है, पेड़ पौधा है, इस साइड से भी पेड़ है बहुत सारा। ये कुछ ऊँचाई जगह है, ये देख सकते हैं कुछ इस तरह का व्यूज़ है, काफ़ी खूबसूरत है। अंदर में आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों को और भी बहुत कुछ मिलने का देखने के लिए। चलिए मैं आप लोगों को आगे लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ। और गाइज अगर आप बच्चों को साथ में लेकर आ रहे हैं तो यहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए बहुत अच्छा सुविधा है। ये घास है देख सकते हैं, शाम के टाइम अगर आप आते हैं तो ये देखिए कितना हरा भरा घास है, चौड़ा जगह है, बच्चे लोग खेलेंगे कूदेंगे यहाँ पर। ये झील भी है बगल में और शाम के टाइम का व्यूज़ काफ़ी और भी अच्छा लगेगा। ये देख सकते हैं कुछ बोट रखा हुआ है इसमें तैराकी करने के लिए, ये देख सकते हैं ये बोट बहुत सारा है जो कि अभी बाहर निकाल के रखा हुआ है। झील काफ़ी खूबसूरत है गाइज, ये आप देख सकते हैं, मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया, ये देखिए। और गाइज ये आप देख सकते हैं किंग्स लेक, यहाँ पे पोस्टर लगा हुआ है, कुछ इस तरह का व्यूज़ है इसके अंदर जो कि आप देख सकते हैं। ये पोस्टर लगा हुआ है, चारों तरफ से झील है, ये आप देख सकते हैं झील की खूबसूरती, जो कि ये जस्ट पोस्टर के बाद ही मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ किस तरह का झील है। ये देख सकते हैं ये पोस्टर लगा हुआ है, इस तरह का कुछ यहाँ पे घाट बना हुआ है। अगर आप नहाना धोना भी चाहते हैं तो नहा भी सकते हैं यहाँ पे आकर के, शाम के टाइम अगर हो या सुबह का टाइम हो, नहाने में आप लोगों को और भी आनंद आएगा। ये देख सकते हैं चारों तरफ से झील है, ये रोड है, फिर इस पर भी झील आप लोगों को दिखाई देगा। ये देख सकते हैं झील कैसा है। चारों तरफ से पेड़ पौधा है, बड़ा बड़ा पेड़ है, काफ़ी खूबसूरत जगह है, ये आप देख सकते हैं। बताना चाहूँगा कि ये गार्डन बहुत बड़ा गार्डन है गाइज, इसे जंगल भी कह सकते हैं क्योंकि चारों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा है और पुराना पुराना पेड़ पौधा है। बहुत बड़ा ये गार्डन है, मैं घूम रहा हूँ बहुत देर से, ये आप देख सकते हैं चारों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल है। और अभी तो दोपहर का टाइम है, शाम के टाइम आने से बहुत ज़्यादा चिड़िया का शोर गुलबीत सुनाई देगा जो कि और भी काफ़ी अच्छा लगेगा। ये बीच से रास्ता भी बना हुआ है मेरे पीछे, आप देख सकते हैं ये सिर्फ पैदल चलने के लिए घूमने के लिए रास्ता बना हुआ है ये गार्डन में, आप देख सकते हैं। और इसका खूबसूरती और बढ़ा रहा है, हर जगह 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 झील है, चारों तरफ से झील है जहाँ तहाँ, जिससे और भी खूबसूरत लग रहा है। जिससे देख सकते हैं ये झील, इधर भी एक झील गया हुआ है, ये झील आप देख सकते हैं, ये रोड है, रोड से पार करते हुए इधर से झील आया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और ये जंगल को आप देख सकते हैं जिसे गार्डन भी बोला जाता है, वी गार्डन ये है।
ये देख सकते हैं कुछ इस तरह का व्यूज है। उधर आप देख सकते हैं काफ़ी पुराना पुराना पेड़ है और देखने में कुछ खूंखार पेड़ जैसा भी लग रहा है। बहुत सारा एकदम घना पेड़ है, सटा हुआ है, कहीं जगह नहीं है। और गाइस आप ये देख सकते हैं कुछ इस तरह का पेड़ है जो कि डेंजर जोन भी बोला जाता है। मैं डेंजर जोन में जा रहा हूँ, चलिए देखते हैं क्या है, कुछ जानवर ना मिल जाए। बहुत खूंखार जगह है गाइस, आप देख सकते हैं किस तरह का जगह है। इधर में आप लोगों को सिर्फ जंगल ही जंगल दिखाई देगा, आप देख सकते हैं। चलिए तो आगे चलते हैं, ये डेंजर जोन है, मैं अंदर में आ गया हूँ। ये चलिए देखते हैं क्या किस तरह का व्यूज है अंदर में। ये गाइस आप देख सकते हैं गाइस, इधर कोई नहीं आता है क्योंकि इतना खूंखार जगह है, लोग डरते हैं, अंदर में नहीं आते हैं। मैं जा रहा हूं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिखाने के लिए, ताकि आप लोग भी देख लें कैसा जगह है। कुछ इस तरह का व्यूज है अंदर में, ये देख सकते हैं। इधर में लोग जल्दी आते नहीं हैं, खूंखार जगह है। चलिए मैं चलता हूँ गाइस, कोई बड़ा जानवर ना आ जाए किसी का डर है, फिर भी कोई नहीं, चलिए चलते हैं। ये आप देख सकते हैं अंदर का व्यूज कुछ इस तरह का है काफ़ी गाइस। मैंने अमेजोन का, हम लोगों ने जंगल पढ़ा था और देखा था अमेजोन का जंगल, ये गाइस यहाँ का अमेजोन ही जंगल है, सिर्फ जंगल ही जंगल है। आप देख सकते हैं कितना खूंखार जंगल है। कुछ अंदर में देखिए एक पुराना घर दिखाई दे रहा है, पता नहीं लोग रहते हैं कि भी नहीं रहते हैं, इसमें कुछ आहट नहीं समझ में आ रहा। ये आप देख सकते हैं पुराना घर है गाइस, गिरा पड़ा हुआ घर है, किसी आदमी का कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई इधर रहता भी है कि नहीं रहता है। आप देख सकते हैं जंगल, मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ जंगल, ताकि आप लोग भी देखें कितना खूंखार। ये बोटनिकल गार्डन है, गार्डन इसका नाम रखा गया है गाइस, किंतु काफ़ी डरावना जंगल है। ये देखिए ये घर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, कोई आदमी नहीं है यहाँ पे, गिरा पड़ा घर, बंद पड़ा हुआ है कब से, ये आप देख सकते हैं। तो गाइस अंदर में और हम नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत खूंखार लग रहा है, यहाँ तक मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। चलिए यू टर्न हम लोग मारते हैं और यू टर्न मार के फिर बाहर हम लोग निकलते हैं, यहाँ से हम लोग बाहर निकलेंगे तब जा कर के फिर रास्ता दिखाई देगा। इधर में कोई रास्ता नहीं है, ये इसी तरह से आप लोगों को अंदर में घुस के जाना पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं कैसा कैसा पेड़ है, ये आप देख सकते हैं।
गार्डन को दिखाया। गाइज ये बोटनिकल गार्डन है, लेकिन इसे मैं अमेजोन का जंगल ही कहूँगा, क्योंकि इतना बड़ा जंगल है ये कि जहाँ भी जाइए सिर्फ जंगल ही जंगल, पेड़ ही पेड़, और बीच में लेक भी बहुत सारा है। तो मैं बहुत देर से घूम रहा हूँ, सिर्फ जंगल ही दिखाई दिया है और लोग घूम रहे हैं। दोपहर का समय है, काफ़ी धूप भी है। तो गाइज अगर आप लोग शाम के टाइम अगर आएंगे बोटनिकल गार्डन में तो काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि इतना पेड़ है ना, आप लोगों को हवा लगेगा, ठंडा लगेगा, हरियाली है और काफ़ी खूबसूरत व्यू है गार्डन घूमने का। तो मैं बहुत देर से गार्डन घूम रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं हरियाली हरियाली है चारों तरफ, जहाँ भी देखेंगे फिर पेड़ ही पौधे। तो ये गार्डन कम लग रहा और जंगल ज़्यादा लग रहा, और इसलिए मैं इसे अमेजोन का जंगल कह रहा हूँ, देख सकते हैं। मैं अभी जहाँ खड़ा हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक रास्ता इधर जा रहा है जंगल के लिए, और एक रास्ता इधर जा रहा है, एक रास्ता इधर जा रहा है, और एक रास्ता इधर जा रहा है। ये चार रास्ता है, आप देख सकते हैं चारों तरफ से मैं दिखा दे रहा हूँ, ये चारों तरफ अब जिधर भी जाएंगे सिर्फ जंगल ही जंगल दिखाई देगा। ये मैं अभी बीच में आ गया हूँ, ये चारों तरफ जंगल ही जंगल है रास्ता जाने का, ये देख सकते हैं जंगल का नज़ारा, रास्ता बीच में बना हुआ है, बाकी सब जंगल ही जंगल है। तो गाइज मैं जंगल में काफ़ी देर से घूम रहा हूँ, सॉरी ये बोटनिकल गार्डन है, और इतना बड़ा ये जंगल है कि जंगल ही बाबा मैं बोल दे रहा हूँ, लेकिन ये गार्डन है बोटनिकल गार्डन, भले ही यहाँ पे सिर्फ जंगल जंगल हो। और अभी मैं पेड़ पे चढ़ गया हूँ, अब देख सकते हैं, ये देख सकते हैं मैं पेड़ के ऊपर चढ़ा गया हूँ। तो गाइज आशा करूँगा कि आप लोगों को मैं ब्लॉग के माध्यम से ये बोटनिकल गार्डन को मैं दिखाया, काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो आप लोग भी आएँ यहाँ पर घूमें और यहाँ का आनंद लें, काफ़ी अच्छा जगह है, बहुत बड़ा स्पेस है, आप लोगों को घूमने में अच्छा लगेगा। और आप लोग शाम के टाइम आएँ, आप लोगों को लोकेशन एक बार मैं फिर बता दे रहा हूँ, आप ये अगर हावड़ा आते हैं तो हावड़ा से आप लोगों को बस पकड़ना पड़ेगा, और बी गार्डन बोलने से बस वाला आप लोगों को ठीक गार्डन के पास में ही उतारेगा। तो वहाँ से आप गार्डन में एंट्री करेंगे, और एंट्री फीस सिर्फ 10 रुपये ही अभी लग रहा है। तो वहाँ से आप टिकट लेकर के सारा दिन घूम सकते हैं, यहाँ पर जितना भी घूमेंगे ये कम नहीं होने वाला, क्योंकि बहुत दूरी में है। तो मैं भी घूमा और आप लोगों को ब्लॉग के माध्यम से काफ़ी कुछ दिखाया, तो आशा करूँगा कि वीडियो काफ़ी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो एक बार वीडियो को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगला वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू।